बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीधी से आ रही है, जहां अनियंत्रित बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना आज सुबह 8:30 बजे की है, जब सीधी से सतना की ओर जा रही परिहार बस क्रमांक MP19P1092 ड्राइवर की लापरवाही के कारण मोहनिया घाटी मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। जैसे ही बस मोहनिया घाटी मोड़ पर पहुंची, टर्न लेते समय तेज गति होने के कारण ड्राइवर की लापरवाही के कारण बस अनियंत्रित हो गई और तकरीबन 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें बैठे कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा यात्रियों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर, जैसा कि पता चला छुईया घाटी के नीचे बस पलटी है, उस विषय में आप क्या कहेंगे? 27 तारीख को सुबह 8:30 बजे करीब सूचना मिली कि छुईया घाटी मोड़ पर एक बस पलट गई है। मौके से आके देखा गया तो मजरूबों को CSC गोविंदगढ़ या SDM मछलीबा भेजा गया है। अब उनकी 5-6 लोगों को बता रहे हैं मजरूब हैं और पृथक से कार्रवाई की जा रही है। ठीक सर, क्या नाम सर? कहाँ कहाँ चोट लागी अपना के? और कई लोगों चोट लागी? अपन बतावा। ज्यादा तो नहीं लाग ना? ज्यादा नहीं लाग, सब बच गए हैं। 30-35 आदमी रहे हैं। अच्छा, 35 आदमी करीब रहे। अच्छा, एम्बुलेंस से आई रही लेके गई, जो ज्यादा घायल रहे हैं। जी जी, परिहार बस आए जी। तो कहाँ से आवत रही? आवत कहाँ से रही? रही से सतना जात रही। अच्छा, ठीक, सीधी से आई। अच्छा अच्छा, बताओ पहल पर भैया। भैया कितने लोग चोट आई है? ये कैसा हो गया एक्सीडेंट? जी, अच्छा, ये गाड़ी खड़ी रही जी। ठीक, कहाँ नाम अपना के? कौन बस आए? परिहार। परिहार सीधी चल के कहाँ जाते रही? सतना जी। ठीक, कई लोगन के लाइए हॉस्पिटल?